अस्पताल मुर्दाबाद 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 सीएमओ मर गया मर गया मर गया सीएमओ मर गया। मुरादाबाद में डेंगू मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर शिव सैनिकों ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर में स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सक अधिकारी और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि प्रदेश में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के बाद भी जिला अस्पताल द्वारा कोई तैयारी और व्यवस्था नहीं की गई है। आज महानगर के प्रत्येक क्षेत्र और जिले के विभिन्न गाँवों में डेंगू पीड़ित रोगी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और जिला अस्पताल और नगर निगम द्वारा कोई व्यवस्था डेंगू को रोकने और न फैलने के लिए नहीं की गई। डेंगू से मरीजों की मौत और लापरवाही की तस्वीर लगातार मुरादाबाद से सामने आ रही है। चिकित्सक अधिकारी और कर्मचारी बेपरवाह हैं। पूर्व में भी शिव सैनिकों ने मुरादाबाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस विषय में ज्ञापन दिया है। मुरादाबाद में प्राइवेट नर्सिंग होम में डेंगू के नाम पर लूट और मौत के बाद भी बड़े बड़े बिल बनाकर रोगियों के परिवार वालों से लूटपाट की जा रही है। डेंगू की डेंगू से आप लोगों ने देखा है कि जो भी समाचार पत्र मीडिया के माध्यम से एक अभी एक बड़ी खबर वायरल हुई थी जिला अस्पताल में शराब को लेकर के, जिसमें मीडिया ने उसको वायरल करा था। उसके बावजूद भी हम लोग और आप लोगों ने देखा, हमने करीब 25 तारीख में एक ज्ञापन दिया था सीएमओ महोदय को कि हर क्षेत्र में एक रैपिड टेस्टिंग कराई जाए। गरीब आदमियों को कैसे पता चलेगा कि डेंगू हो रहा? और लगातार उस समय नवाबपुर में मौत हुई थी, लालबाग में हुई थी। उस समय डीएम माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं लगातार रैपिड टेस्टिंग के लिए व्यवस्थाएं कराऊंगा, कैंप लगाऊंगा। आज तक कोई रैपिड टेस्टिंग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई डॉक्टरों की भी कोई व्यवस्था नहीं इन सभी लोगों को लेकर के। और दूसरी स्थिति ये कि प्राइवेट नर्सिंग होम जितने भी हैं, डेंगू के नाम पे आप जाओगे तो लंबे बिल दे रहे हैं। अगर कोई आदमी मर जाता तो उनको उसकी परवाह नहीं है, सिर्फ प्राइवेट नर्सिंग होमों को एक ही परवाह है कि किस तरह से लूटपाट करी जाए। इस पे आज हमने जिला प्रशासन से मांग करी है कि प्राइवेट नर्सिंग होम जो लूटपाट कर रहे हैं उन डॉक्टरों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई जाए। शिवसेना इसके लिए अब कटिबद्ध है कि लूटपाट रोगियों के नाम पर और दवाओं के नाम पर अब शिवसेना नहीं होने देगी। इस दौरान भारी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता मौजूद रहे।